वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीजी राइडर्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त बज रहे हैं 3:30, और जैसा आज संडे है, आज संडे को आप सब आराम से सोए हुए थे, तो हमारे दो राइडर्स को, जुगल और विशाल को, राइडिंग का कीड़ा काटा और उन्होंने मुझे कॉल किया कि चलो भाई कहीं ना कहीं चलते हैं राइड पे। फॉर्चुनेटली आज मैं बैठे हुए थे घर पे, तो अचानक मेरे पास जेस और विशाल का मैसेज आया कि चलो कहीं की राइड पे चलते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि अब टाइम कम है और टाइम से वापसी भी आना है, तो क्यों ना हम मुरथल ही चलें, कहीं एक चाय हो जाएगी मुरथल की। तो ज़्यादा दिनों से बात भी नहीं हो पाई, हम तो उन्होंने डिसाइड करा और उनके आगे दिन मेरे आगे आगे हैं, सबसे आगे है जेस अपना 350 थंडरबर्ड में, उसके बाद है विशाल क्लासिक, और हम चल दिए हैं वाइस मीटिंग की तरफ। वहाँ हमें मिलेंगे खान साहब, खान साहब जो हमारे एवर एक्टिव पर्सन हैं, उनसे हमने पूछा कि आप चलोगे, अगर हम भूल गए नहीं, किसी से पूछे ना पूछे उनसे जरूर पूछना पड़ता है, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की तरह फैल जाते हैं कि मुझसे नहीं पूछा, मुझे नहीं ले गए, तो इसलिए उनसे पूछा। वो पहुँच चुके हैं, हम थोड़ा लेट हो गए। विशाल जो है अपनी राइडिंग जैकेट देखने लग गया था, लेकिन लगता है दिवाली की सफाई में वो इधर उधर रख दी गई है कहीं, तो वो उनसे मिले नहीं, तो फिर ऐसे ही निकल रहे हैं। अभी वो बज रहे हैं जैसे मैंने बताया आपको 3:30 से ज़्यादा, अब देखते हैं कब पहुँचते हैं, ट्रैफिक बढ़ेगा और कब हम पहुँचेंगे, कब वापसी आएंगे। तो अब तक हमने देखा था हमेशा लगभग मान के चलिए मुरथल का सनराइज, हम मोस्टली गए हैं मुरथल रात, और रात को 12 बजे 1 बजे पहुँचे हैं, या फिर पहुँचे हैं सुबह 6 बजे। आज पहली बार जहाँ तक हमें हम सनसेट देखेंगे, ये आ गए हम झिलमिल मेट्रो स्टेशन, यहाँ से पहुँचेंगे आई टी डी, वहाँ से खान साहब को कलेक्ट करेंगे। ये नया फ्लाईओवर आज इसे चालू हुए तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन आज उद्घाटन हम कर रहे हैं इसका, और बहुत अच्छा हुआ इसको चालू किया गया, इसको दोबारा बनाया गया। पब्लिक को बहुत परेशानी होती थी, हाँ इसी चौक पे और आगे शास्त्री पार्क वाला जो चौक है उसी पे करीब करीब आधा घंटा लग जाता था लोगों को, और फोर व्हीलर से तो उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता था। तो अच्छा हुआ वो स्टार्ट हो गया, देखिए तो स्मूथली अब आप पहुंच गए, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आप यहाँ से फेसबेट पहुंच जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट, आई स्वीटी फ्लाईओवर के ऊपर है, देखिए मौसम कितना सुहाना, बादल आप देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, और खान साहब हमें यहाँ से नीचे उतरते मिलेंगे। और वो रहे हमारे खान साहब, और ये रहे खान साहब। और खान साहब कैसे हो? ये आ गया गुरुद्वारा मजनू का टीला, और आगे वजीराबाद, वजीराबाद से सीधा निकलेंगे हम पुरानी रोड होते हुए मकरबा चौक, मकरबा चौक से हम जाएंगे मुरथल सिंधु बॉर्डर होते हुए, हाँ डलवाएंगे पेट्रोल, क्योंकि इसके बाद जो है बॉर्डर पर मिलेंगे हमें पेट्रोल पंप, तो क्यों ना यहीं पर डलवा लिया जाए। बुराड़ी की रोड पे
अब यहाँ से निकलते हुए जाएंगे बुराड़ी, और मेरे साथ है जुगल खान साहब और कैमरामैन विशाल कोहली, वो बेचारा हमारा कैमरे के पीछे ही रहता है। तो जैसा मैंने कहा था कि हम कुछ हमारे राइडर कुछ अजीब ही है, तो ये है वो अजीब जो कहते ना अचानक डिसाइड करा और निकल लो। एक घंटे में हमने डिसाइड करा और एक घंटे बाद हम रोड पर है। तो आप देखते हैं कब हम पहुंचेंगे, कब हम वहाँ पे एंजॉय करेंगे थोड़ा सा और वापस आएंगे। देखिए सूरज एकदम खिला हुआ और वेदर इतना प्यारा हो रहा है, ट्रैफिक भी है। और अब हम होटल पहुंच के आपसे बात करते हैं क्योंकि इस वक्त है मैच। और फाइनली वी रीच मुरथल। इस फ्लाईओवर के पार होते जो है मुरथल चालू हो जाता है, जो कि ढाबों के लिए फेमस है, सबको पता ही है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गाजियाबाद, गुड़गांव, यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। ब्रेकफास्ट राइड, इवनिंग राइड, मॉर्निंग राइड, डे राइड, और यहाँ तक लद्दाख जाने वाली मोस्टली राइडें भी यहीं से निकलती है, क्योंकि यही रास्ता जाता आगे हिमाचल, कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, मनाली, शिमला। तो इसलिए लगभग सारे राइडर इसी रोड से होकर निकलते हैं। तो हम रुकेंगे यहीं पहले ढाबे पे, पहलवान ढाबे पे। यहाँ हमारे एक मित्र हैं, इसी लाइन में बहुत सारे ढाबे हैं, तो हम वहीं रुकते हैं। तो फाइनली वी रीच्ड एट पहलवान ढाबा मुरथल। क्या हाल है सचिन भाई? और सब बढ़िया? हम हैं मुरथल में पहलवान ढाबे पे। अब यहाँ पे हमने इवनिंग जो स्नैक्स है वो ले लिए हैं, आज की राइड यहीं तक थी। अब यहाँ से वापसी लेंगे, सचिन भाई से विदा लेंगे। सचिन भाई यही हमारे सोनीपत के राइडर हैं, हमें कई राइडों पे हमारे साथ गए हैं लेकिन अभी तक लद्दाख नहीं जा पाए हैं। तो अब सो नेक्स्ट टूर पे हमारे बड़े राइड पे साथ होंगे, और अब यहाँ से चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। अब मिलेंगे हम आपको ऑन द वे। डीजी यानी कि दिलशाद गार्डन हम पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है 8:30, हम वहां से निकले थे लगभग 7:15 बजे, और ट्रैफिक भी मिला हमें लेकिन रास्ता मोस्टली स्मूथ मिला। आ गए हम वाया आपका सिग्नेचर ब्रिज आया, जिसको आजकल दिल्ली का सिग्नेचर माना जा रहा है। तो और छोटी सी राइड थी, इवनिंग स्नैक्स के लिए हम गए थे, चाय पी, एक एक पराठा खाया और हम वापस घर। आज का खाना तो हम घर ही खाएंगे वरना आज घर वाले हमारी बजा देंगे। तो अब आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट राइड पे। सी यू, बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।